तो हम यहाँ पर चेक करेंगे, पांच आ गए। वेरी गुड, इनके लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। चलो ये चीज मैं बाद में बताऊंगा, अभी बता रहा हूँ। इसलिए अगर BQIC खराब है, मेरे साथ 28 सितंबर की बेच है सर। सर 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 कौन सा सेक्शन था भाई आज हमारा? चार्जिंग हार्ड होता है कि कोल्ड होता है? दोनों है सर। होता है, चार्जिंग गर्म होता है ना भाई। अच्छा हमने कौन कौन सा सर्किट पढ़ा आज? एक बोलो कौन कौन सा पढ़ा हमने सर? चार्जिंग सेक्शन में नीचे से लेकर ऊपर तक, नीचे वाला सेक्शन हमने कौन कौन सी आईसीयां पढ़ी उसको? 12 बॉल वाली, ठीक है, ओवीपी 9 बॉल वाली, हाँ, और BQ आईसी 24 बॉल। PMI का सर्किट पढ़ा हमने? जी सर। 20 बॉल का सर्किट किया हमने? जी सर। जी सर 20 बॉल की बनाया हूँ मैं। कौन कौन सा सर्किट पढ़ा आप बताइए? जी सर 9 बॉल के सर्किट पड़ा। हाँ जी सर 12 बॉल के सर्किट पड़ा। भाई वो भी कौन कौन बाईपास कर लेगा? जी सर। कौन कौन कर लेगा? ईमानदारी से बोलना भाई। जी सर। लो है। और कौन सा पड़ा? जी सर 20 बॉल का पड़ा, और 20 बॉल का सर डायग्राम भी बनाया, ठीक है। और कौन सा पड़ा हमने? और 24 बॉल के लेग आईसी पड़ा सर, ठीक है। उसका नाम क्या है? BQ होता है क्या? जी सर BQ आईसी पड़ी जी सर। अब मैं आपसे पूछूंगा और कौन सा पड़ा? इन्होंने बोला कि हमने 20 बॉल का सर्किट पड़ा, ठीक है। 20 बॉल पड़ा, 20 बॉल पड़ा सर, 9 बॉल पड़ा, फिर जाके BQ आईसी पड़ा सर। बाईपास कैसे किया जाता वो सीखा सर, अपने खुद के हैंडसेट पे सर। खुद के हैंडसेट पे? जी सर। कौन सा हैंडसेट था आपका? वो 5A था सर। भाई सही बोल रहे हैं इन्होंने, आपने सबने लाइव देखा इसके अंदर। और इसके हैंडसेट पे और क्या था? ये कौन सा हैंडसेट था आपका सर? वो ओप्पो X2 था आपका? जी सर। उस पर आपने लाइव किया? भाई सही बोल रहे हैं, आपने पूरी। अब इसको कोई डाउट लेके आए या कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपका? ये आप सबकी कॉपी देख सकते हैं, आपने सबने सबके डिजाइन किया है। अच्छा अगर हमारे पास अगर 10 चार्जिंग के मोबाइल होते तो बनते कि नहीं बनते? आज आपने अभी क्या क्या सैमसंग के मोबाइल में 17 को ड्रेस किया, उसमें BQIC खराब था, सॉरी SMIC खराब था। क्या नाम था IC का? 5703। 5703 उसको आपने स्वेप करा, उसको चेंज किया, चेंज करने के बाद आपको आउटपुट वोल्टेज मिला? बिल्कुल हो गया। ये अभी लाइव प्रैक्टिकल करा आपने, ठीक है। अगर हमारे पास ये आपसे बोलना चाह रहे थे, अगर हमारे पास अगर चार्जिंग के अगर यहाँ 15 सेट और अगर फॉल्टी अगर आपके पास होते तो वो बनते कि नहीं बनते? कोई सा भी सर्किट हमने छोड़ा है क्या? चार्जिंग में जो जो आता सारा सर्किट लिया ना? और बताइए किसी को डाउट किसी से नहीं बन रहा हो? एनीबॉडी? नहीं सर। सबका क्लियर है? नहीं सर। चलिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। बस ये वाला हटा दो जंपर, ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो गया है, ये हटाओ जंपर। चलो अब PCB निकालो और अपने मोबाइल में लगा दो। अभी तक जो बताया है वो सब समझ में आ रहे हैं? DPDM की सप्लाई, DPDM पे GR, DPDM पे एक्चुअल GR कहां से आते हैं? CPU से। पर वोल्टेज कहां से आते हैं? बीबस की ट्रेसिंग। और अभी हम चार्जिंग आईसी तक पहुंचे नहीं है, अभी हम OBP कर लेंगे, तो अभी OBP क्लियर कर लेंगे, फिर ब्रेक लेंगे, उसके बाद चार्जिंग आईसी कि अंदर कैसे चार्जिंग आउटपुट करती है, अंदर के क्या GR, तो दो एक आईसी पर अपन पूरा प्रैक्टिकल करेंगे। तो देखिए आप स्टूडेंट, यहाँ पर आज चार्जिंग का सेक्शन है, और किस तरीके से आपने अगर पहला वीडियो पूरा नहीं देखा है तो पूरा देखिए कि एक एक स्टूडेंट से हमने चार्जिंग की आईसी पे काम करवाया है, हमने एक भी फ़ोन नहीं छोड़े हैं, हमने हर एक को जब वो आते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि आपके पास जितने भी चार्जिंग के फॉल्ट हैं आप सारे फॉल्ट लेके आइए, डायग्नोस कीजिए, पहले क्लास को अटेंड कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिकल में डायग्नोस कीजिए, उसको हमारे सामने बनाइए। और कुछ फ़ोन इनके पॉसिबिलिटी हम कोशिश करते हैं कि सारे के सारे फ़ोन इनके इन्हीं के सामने हम लाइव इनकी क्लास में बना देते,
क्योंकि कुछ फ़ोन इनको हम डायग्नोस करने के लिए भी देते हैं ताकि अपने ये शाम के प्रैक्टिकल में डायग्नोस करें, और जिनके पास फ़ोन नहीं होते हैं उनके हम पर्सनल अपने खुद के फ़ोन देते हैं। दोस्तों ये इंडिया में केवल एकमात्र एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको लाइव काम दिखा रहा है। फेसबुक में आप जाओ तो आप देखो कि ये तो ठीक है, आप मान के चलो कि एडिटेड वीडियो होगा, पर फेसबुक में जाओगे तो ये एडिटेड तो होगा नहीं। और आप फेसबुक में जाके एसर टेलीकॉम सर्च करोगे तो आपको हमारे एसर टेलीकॉम के वीडियोज़ बहुत मिलेंगे। डेली आप यहाँ पर आप उसको फॉलो कीजिए तो आपको सुबह दोपहर और शाम तीनों का आपको वीडियो देखने को मिलेगा। यहाँ स्टूडेंट एक OVPIC को लाइव बाईपास कर रहा है। ये झारखंड से है स्टूडेंट और इन्होंने कभी मोबाइल रिपेयरिंग की नहीं है। ये एक फ्रेशर स्टूडेंट है और ये बिल्कुल अपने, और ये जो सेट है ये भी सेट इन्हीं का सेट है, यही लेकर आए हैं और यही अपने ही फॉल्ट को बना रहे हैं ताकि इनको पता चले कि चार्जर लगाया तो देखिए लगा के 0.50 एम्पियर सो रहा है, 0.20 दिख रहा है आप, बैटरी नहीं लगी अभी, है ना। तो इसका मतलब है कि हमारा 5 वोल्टेज तो बाईपास हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हाँ हमारे को BPH पहले इसको देखेंगे कि 5 वोल्ट वहां तक पहुंच रहे कि चेक कीजिए, 20 पे रखिए डीसी को, 20 मल्टीमीटर को अब रखिए, चेक करो, हाँ चेक करो अब यहाँ पर 5 वोल्ट पहुंच रहा है क्या। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे, 5 आ गया, वेरी गुड, इनके लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। अब चलो ये चीज मैं बाद में बताऊंगा, अभी बता रहा हूँ इसलिए। अगर BQIC स्टूडेंट ने अपना सेट बनाया और उस सेट पर हमने सारे स्टूडेंट को एक लाइव प्रैक्टिकल देने का कोशिश की, और इसी तरीके से हम हर सेक्शंस में लाइव प्रैक्टिकल देखते हैं। एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है एसर टेलीकॉम जो एक एंडलेस आपको सिखाता है, जो फ्रिक्वेंसी आखिरी तक की कहाँ तक हम CPU चेंज कर सकें, कहाँ तक हम क्या लाइन चेक कर सकते हैं अंदर की पैड लाइन, सिर्फ IC चेंज करना तो हमारे लिए बहुत ही नॉर्मल होता है क्योंकि हम ये 3-4 दिन में ही डन करा देते हैं। और दोस्तों ये इंडिया का पहला इंस्टीट्यूट होगा, बहुत से लोग नहीं मानते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में अगर 10 बच्चे 15 बच्चे आ जाएं तो 3-4 बच्चे छूट जाते हैं जो CPU ना लगा पाए या कुछ ना, कोई IC ना पर काम ना कर पाए क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेशर है। पर यहाँ पर अगर आपने जीवन में ईंटों का भी काम करते हैं ना, अगर आप बिल्डर हैं, आप मजदूर हैं, आप कोई भी चाय वाले भी है ना, तो आपसे हम CPU लगवा देंगे क्योंकि हमारे लिए बहुत ईजी है। और यही एकमात्र इंडिया का एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर हम किसी से भी, हम ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं छोटे जिससे हमने लाइव CPU नहीं लगवाया हो, ऐसा जिससे नहीं लगवाया हो, मतलब सबसे ही लगवाते हैं हम यहाँ पर। और अगर आप यहाँ आएंगे तो आप बिंदास यहाँ पे ICU पे काम करना, किस तरीके से सेक्शन वाइज काम करना, स्टार्टिंग में क्या चेक करना है, एक दुकान पे क्या क्या फॉल्ट आ सकते हैं, और बेसिकली डायरेक्ट डायग्राम पे डिपेंड ना होना। डायग्राम से अगर डिपेंड हुए तो डायग्राम से कैसे हम सप्लाई को ढूंढेंगे और चेक करेंगे, वोल्टेज, GR, फ्रिक्वेंसी, तो सारी चीज़ें आपको हमारे इंस्टीट्यूट में देखने को मिलेगी। और एक बहुत वेल एक्सपीरियंस टीचरों का आपको नॉलेज मिलेगा जो कि काफ़ी सालों से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी देश में कुछ ही 6-6 महीनों के अंदर सीख कर जो स्टूडेंट है वो भी अपने इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, और आप उनके स्टूडेंट के आप उनके सेटअप के प्रभाव में आके उन जैसे इंस्टीट्यूट में जाते हैं और जहां आप कुछ नहीं सीख पाते क्योंकि वो पहले से ही इतने वेल ट्रेन नहीं होते हैं और उनको बस थोड़ा सा ही नॉलेज होता है। तो आपको देखना है कि आपको किधर जाना है, वो वन एक बार आइए, अपनी ज़िंदगी बनाइए यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। तो गाइस आज हमारी चार्जिंग सेक्शन की क्लास थी। जी सर। तो किसी क्लास थी आज? चार्जिंग सेक्शन की क्लास थी। आज आपको सारे सेक्शंस के बारे में बताए गए, चार्जिंग में क्या इनपुट आउटपुट DM DP सारा कुछ बताया गया यहाँ पे, उसके फॉल्ट चार्जिंग एरर सारा कुछ लाइव बताया गया। जी सर। तो अभी आप चार्जिंग की ट्रेसिंग कर रहे हो? जी सर। अगर से चार्जिंग एरर आता है बना पाओगे आप? जी सर। OVPIC क्या होती है, BQ क्या होता है, सारा कुछ नॉलेज बताया गया? जी सर। ओके करिए। चलिए आज किस क्लास थी आज? चार्जिंग के बारे में। चार्जिंग के बारे में थी। तो चार्जिंग अगर हम सेक्शन की बात करें, उनके एरर्स की बात करें, अगर उनकी OVPIC क्या होती है, BQ क्या होता है, PMI किस में होता है, सेक्शन ये सारा कुछ बताया गया? यस सर, सारा बताया गया। ओके, अभी आप ट्रेस कर रहे हो? यस सर, ट्रेस कर रहे हैं सर। ये क्या कर रहे हो आप? ट्रेसिंग कर रहे हो सर। ट्रेसिंग कर रहे हो। ये क्या बनाया अभी आपने? OVPIC है। यस सर। OVPIC को बाईपास कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कर सकते हैं।
चलिए अभी जो भी सेक्शन बताया गया यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है चार्जिंग सेक्शन? अगर पीएम है, अगर क्वालकॉम सीपीयू तो किसमें होगा, पीएमआई पीएम सब सब पता है आपको, इनपुट आउटपुट वोल्टेज उसको खा रहा है कहाँ पे, डीएम डीपी सारा पता है आपको। ओके ट्रेस करिए, ये कौन सा बोर्ड है आपके पास? Y2 है। Y2 का, तो इसका चार्जिंग सेक्शन किस में है सर? ये टिप्स होके है वो, हाँ कनेक्टर होके कैपेसिटर होके, हाँ। फिर इसमें टिप्स में आ रहा। ओके टिप्स होके फिर कैपेसिटर में आ रहा, फिर ओवीपीआईसी में, ओवीपीआईसी में जा रहा है। इसको बाईपास कर सकते हैं? कर सकते हैं। ओके क्या कर रहे हैं अभी आप, वो दिखाइए अपना कॉपी दिखाइए सर। ट्रेसिंग कर रहा हूँ अभी, ट्रेसिंग कर रहे हैं जी सर जी। हमारा ये चार्जिंग पिन है, सीसी है, और हमारे सीसी में जो हमारा ये रजिस्टर लगा है डाटा माइनस और डाटा प्लस का, और ये एनसी है सर, ग्राउंड है, तो इसको मैं ट्रेस कर रहा हूँ। ये कनेक्टर से होके पूरा ट्रेस कर रहा हूँ सर। आप क्या कर रहे हैं सर? ट्रेसिंग कर रहा हूँ। कौन सा मॉडल है ये? ये 5 है सर। चार्जिंग सेक्शन कहाँ पे बताइए? चार्जिंग सेक्शन ये सर यहाँ पे। कौन सी आईसी है ये सर? क्यूपी बीक्यू। तो ये सारा चीज समझ में आ रहा है जी सर। उसके बाद इसमें ओबीपी आईसी भी लगी है जी सर। तो ओबीपी अभी सर उसी को ट्रेस भी कर रहा हूँ सर। तो ओबीपी आईसी को ही ट्रेस कर रहा हूँ सर, जहाँ पे जी आर आ रहा है, कितना जी आर आ रहा है, सारा चीज सर। ओबीपी आईसी को बाईपास कर सकते हैं आप? जी सर एकदम कर सकते हैं। ये कनेक्टर है सर, कहाँ कौन से कनेक्टर में सप्लाई आया सारा चीज। तो कैसा लगा चार्जिंग की क्लास? आज का बहुत अच्छा है। जो भी एरर आएगा वो एरर आप बना सकोगे? नहीं आराम से सर, बहुत आसान है बनाना, अगर ट्रिक जानना जान सके तो। ट्रिक अगर पता हो तो आराम से हो सकता है। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर ये वन भाई मोबाइल है सैमसंग का, इसमें चार्जिंग का प्रॉब्लम था, उसको पूरा डायग्नोज किया तो पता चला कि इसमें ओवीपी था, वो भी खराब था। अच्छा, और उससे आगे ऐसे लगा इसमें बीक्यू। अच्छा, वो भी खराब है, वो भी खराब है, बीक्यू भी खराब है। और बाहर निकालने के बाद ओवीपी को बाईपास कर सकते हैं? कर दिया बाईपास। अच्छा बाईपास कर दिया, वोल्टेज पहुंच गया 4 वोल्ट, वोल्टेज पहुंच गया लेकिन यहाँ से आगे नहीं जा रहे। अच्छा आउटपुट नहीं निकल रहा? आउटपुट नहीं निकल रहा, तो आईसी को निकाला, इसकी पेड लाइन चेक कर लाऊं। अच्छा उसके बाद में आईसी डालूंगा। चलिए ठीक, क्या कर रहे हैं आज? किसी क्लास थी? चार्जिंग थी, चार्जिंग सेक्शन की थी। चार्जिंग में जो भी एरर आते हैं, जो भी सेक्शन, अगर मीडियाटेक क्वालकॉम स्पेक्ट्रम जो भी सीपीयू होगा उसके अकॉर्डिंग उसका सेक्शन समझ जाएंगे कहाँ पे चार्जिंग सेक्शन लगा हुआ है। बिल्कुल सर। अगर बीक्यू लगा है तो इसमें कितनी बाले होती हैं, क्या इनपुट क्या आउटपुट सारा कुछ बता पाएंगे? बिल्कुल सर। ये कौन सा मॉडल है? MI3S का है। कौन सा सर्किट लगा हुआ है चार्जिंग का? PMI का लगा हुआ है। 8952। ये सारा चीज चेक करके बनाया आपने? बिल्कुल सर चेक करके बनाया। ओबीपीआईसी होगी तो उसको हम बाईपास कर सकते हैं? बिल्कुल सर कर सकते हैं। ओके आप क्या कर रहे हैं? ये पूरा टेस्ट कर रहा हूँ सर। 3S का है? हाँ MI4X का है जी सर। ओबीपी जी सर। तो ये कैसे रही आज की क्लास? बहुत बढ़िया रही थी सर, समझ में आई सारी चीजें। चार्जिंग सेक्शन में अगर कोई भी एरर आता है या टेम्परेचर का एरर आता है आप बना पाओगे? जी हाँ बिल्कुल। ओके चलिए ठीक है, फेस करिए। चलिए आपने जो बनाया है कौन सा मॉडल है ये? MI5A का। ये यहाँ पे बोर्ड है, तो जैसा कि मैं अगर शुरू से बात करूँ, ये आपने कनेक्टर बनाया, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए आप ही। पहले चार्जिंग कनेक्टर बनाया, उसके जीआर चेक किया, उसमें ओबीपीआईसी लगा हुआ है। अभी काफी ज्यादा हद तक इजी लग रहा है कि बहुत टफ लग रहा है? इजी सर, बहुत इजी लग रहा है। बहुत चलिए बताइए। और इसमें ओबीपीआईसी लगा हुआ है? ओबीपीआईसी लगा हुआ है, तो ओबीपीआईसी को बाईपास कर सकते हैं? जी सर बिल्कुल, लिखा हुआ है बाईपास। अच्छा फिर? फिर गया है हमारा बीक्यूआईसी का 24 लेवल आईसी। अच्छा, जो आपने पूरा बीक्यू बनाया हुआ है 1 से 24 यहाँ पे इनपुट मिल रहा है उसको 5 वोल्ट, अगर ये उस सारा कुछ पता हुआ है कहाँ पे हमारा EN आएगा, कहाँ पे हमारा BPH आएगा, सब कुछ 19-20 में तो स्विचिंग आ रहा है। इधर हमारा VPH का आउटपुट वोल्टेज बन रहा है, VPH का इधर बन रहा है, और एक कैपेसिटर होता है 4 वोल्टेज बूट लगा हुआ के बूट कैपेसिटर बोलते हैं उसको। जी सर बूट कैपेसिटर। ये सारा कुछ पता है आपको? जी सर। अगर ये बूट कैपेसिटर, ये इसका काम पता है आपको, कितना इम्पोर्टेंट है ये? बहुत इम्पोर्टेंट सर, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपको पता है कि नहीं पता है? पहले तो पता नहीं था, अभी पता चला है। अभी पता चला है, चलिए ठीक है।
और ये बूस्ट कॉइल आपने बनाया, फिर बीपीएच से हमारा मिल रहा है और फिर हमारा आउटपुट निकल रहा है। तो ये सारा सेक्शन जो आपने बनाया ट्रेस करके बनाया कि कहीं देख के बना दिया? नहीं सर, ट्रेस करके बनाया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई घूर्णी और डायग्राम भी नहीं है, तो बिना डायग्राम के आपने बना लिया है। चलिए ठीक है, थैंक यू। क्या कर रहे हैं भैया? ट्रेसिंग कर रहे हैं। कौन सा मॉडल? चार्जिंग सेक्शन DC-DC IC। कौन सा फोन है ये? 4A का चार्जिंग सेक्शन है। समझ में आ रही क्लास आपको? समझ के बना रहे हैं कि ऐसे ही बना रहे हैं? समझ के, पूरा वोल्टेज सर, पूरा वोल्टेज के साथ बना रहे हैं। चलिए ठीक है, टेस्ट करें। चलिए क्या कर रहे हैं अभी आप? चार्जिंग सेक्शन। आज किसकी क्लास थी आज हमारी? चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग की क्लास थी। तो चार्जिंग में जो भी सेक्शन आए गए, जो भी जैसे आप सेक्शन में कर रहे हो, इसमें क्या काम कर रहे हो बताओ? चार्जिंग आईसी को क्या कर रहे हैं अभी आप? ट्रेस कर रहे थे सारी चीजें। आपको समझ में आई? अगर हमारा टेम्परेचर का ऐसी हो, हीटिंग का हो, लो बैटरी का हो, वो सारा चीज आप कर पाएंगे? कर पाएंगे। ओके चलिए ठीक। क्या कर रहे हैं अभी आप? चार्जिंग सेक्शन पे ट्रेसिंग कर रहे हैं सर। चार्जिंग सेक्शन ट्रेसिंग कर रहे हैं जी। सारा कुछ इनपुट आउटपुट DM DP ये सब बताया गया? हाँ सर, वही ट्रेस कर रहे हैं सर। किसका काम, अगर PMI है, PM है, अगर हमारा BQ है, सब कुछ बताया गया आपको? हाँ सर, ढूंढ लेंगे। ओके चलिए ठीक। क्या कर रहे हैं? बस ट्रेसिंग कर रहे हैं सर। आज किसकी क्लास थी? चार्जिंग सेक्शन। आज चार्जिंग सेक्शन की क्लास थी। तो चार्जिंग सेक्शन समझ में आया कि नहीं आया? पूरा समझ में आया। पूरा समझ में आया। हाँ, ये फ्यूल गेज क्या होता है, OBP क्या होता है, ये सब कुछ बताया गया आपको? हाँ, पूरा बताया गया। चलिए ठीक है। चलिए जी, आप क्या कर रहे हैं? BQ का सर्किट बना रहे हैं। तो BQ को पहचान पा रहे हैं? इसका जो एक बूट कैपेसिटर होता है वो पहचान लेंगे अभी आप? हाँ जी सर। कैसा लग रहा है क्लास अभी आपको? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो बूट का कैपेसिटर लगा है। अच्छा, एक 8 बोल्ट इसका है। काम क्या है वो आपको पता है? बूट का 8 बोल्ट है सर, काम है आपको पता है? हाँ। अगर वो ओपन हो जाएगा या लीकेज हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम, ये सारा कुछ पता है आपको? हाँ जी, फेक चार्जिंग करेगा। चलिए ठीक है, वो तो आपको पता ही है। क्या कर रहे हैं? ट्रेसिंग कर रहे थे। कौन सा मॉडल है ये? फोर ए का। ये क्या लगा हुआ है? बाईपास करा हुआ है। वो BPIC को बाईपास करा हुआ है। कैसे बाईपास करना है, कर लेंगे अभी? जी सर, ऑन बोर्ड किस IC में जा रहे हैं? चार्जिंग IC में जा रहा है। तो चार्जिंग IC कहाँ पे लगी दिखा? इसमें बोर्ड में कहाँ पे लगी? निकला हुआ है। अच्छा, चार्जिंग IC निकला हुआ है। समझ के बनाया कि ऐसे ही बना? समझ के बनाया। कैसा रहा ओवरऑल क्लास? समझ में आया सारी चीजें? BQ का सर्किट हो, PMI का सर्किट हो, और भी हमारे जो भी सेक्शन है, हमारा बूट कैपेसिटर क्या होता है, बूट कॉइल क्या होते हैं, सारी चीजें वो पता चला आपको? चलिए इधर देखिए, क्या कौन सा मॉडल, किस पे काम कर रहे हैं अभी आप? रेडमी का Y2। कौन सा सर्किट लगा हुआ है इसमें? PMI लगा हुआ है। कौन सा लगा हुआ है? PMI लगा हुआ है। चार्जिंग IC, OBP, सब कुछ ट्रेस करके बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं? कैसा लग रहा है क्लास अभी आपको? समझ में आ रहा है चार्जिंग सेक्शन? इसमें हमें क्या क्या पार्ट करना है, क्या क्या चेक करना है, ये सारा कुछ पता चल रहा है अभी आपको? चलिए, आप क्या कर रहे हैं? सर लाइव ट्रेसिंग कर रहे थे। लाइव ट्रेसिंग किया, इससे पहले कुछ किया अभी? हाँ। कौन से मॉडल पे किया? अभी नहीं कर रहे सर, अभी तो। चलिए ठीक है, करिए। कौन सा मॉडल है? MI 4A है। 4A, तो इसमें आप क्या कर लाइव चार्जिंग का पूरा टेस्ट करने वाले हैं? चार्जिंग टेस्ट कर रहे हैं अभी। चार्जिंग टेस्ट कर रहे हैं। कैसा लग रहा है ओवरऑल क्लास अभी आपको? समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में आया। पढ़ाने का कैसा तरीका है यहाँ का? बहुत बढ़िया तरीका, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है सारी चीज़? जी सर। चलिए ठीक है, क्या कर रहे हैं अभी आप? 4A के चार्जिंग सेक्शन पर। 4A का चार्जिंग, ये आपने जो चार्जिंग सेक्शन बनाया हुआ है, सारी चीजें इनपुट आउटपुट, और ये क्या क्या बनाया थोड़ा एक्सप्लेन करिए तो। ये सर DVX प्लान है, ये अपने कैपेसिटर का और रजिस्टर का होकर जा रही है। ठीक है। इसमें एक कैपेसिटर और मिला, ये टेस्ट पॉइंट मिला था। ओके। उसके बाद एक कैपेसिटर और मिला। ओके। उसके बाद ये हाई वैल्यू का रजिस्टर मिला था 34K का। उसके बाद कैपेसिटर मिला था, उसके बाद ये चार्जिंग आइटम। ये सारा कुछ आपको मिला हुआ है? प्रेस करके बनाया कि कहीं से नोट उतार के बना दिया? समझ में आ रही सारी चीजें? चलिए ठीक है। क्या कर रहे हैं अभी आप? कौन सा सर्किट बना रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं? नोट 4 का ट्रेस कर रहे हैं।
समझ में आ रहा है कि बस ऐसे ही कर रहे हैं? नहीं सर, समझ में आ रहा है। समझ में आ रही सारी चीजें, क्या बोलना चाहेंगे दो शब्द अगर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर, हमको पूरा समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है। आप क्या कर रहे हो? सर T5W का ट्रेसिंग कर रहा हूं। कौन सा मॉडल है? T5W मेटाटेक सीपीयू, क्वालकॉम सीपीयू। कौन सा 6 लेग की ऐसी लगी है? ये तो आज से दूसरा है, अभी सुनिए दूसरा बना रहा हूँ, दूसरा फंड नहीं जाता। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक। क्या कर रहे हैं, किस फोन पे काम कर रहे हैं? सर ये ओप्पो का सर नियो 5। अच्छा अच्छा, तो सर मैंने इस पे काम किया है, तो इसकी एक आईसी होती है OVP। हाँ सर, ये आईसी खराब है सर। अच्छा, तो मैंने बदल दी है, तो अभी तो चार्जिंग होने लगी सर, लेकिन अभी बैटरी लो है। अच्छा, चार्जिंग होने लगी, नहीं हो रही सर, बैटरी लो है। अच्छा अच्छा, कहाँ प्रॉब्लम? तो आप समझ में आया ओबीपी का कैसे बाईपास कर सकते हैं, उसका काम क्या है? मैंने बाईपास कर कई सर से बनाया सर। अच्छा जी सर, अभी कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, ये फॉल्ट मुझे पता नहीं था, लेकिन आज सर ने मुझे बताया इसको, तो मैंने उसका प्रयोग करके भी देखा सर, बहुत अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा लगा। दिल से बोल रहे हैं? जी सर बिल्कुल। चलिए ठीक है, करिए। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर ड्रेसिंग कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं? Redmi 5। यहाँ से? अच्छा यहाँ से कर। जी सारा कुछ आपको मिला हुआ है? हाँ सर मिला है। कैसा रहा ओवरऑल क्लास, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलिए ठीक है, प्रेस करें। चलिए जी आप बताइए, आप किस पे काम कर रहे हैं? क्या नोट 4? हाँ सर। नोट 4 ये क्या लगा हुआ है? सर ये प्रोटेक्शन OBP IC लगी हुई है। OBP IC लगी हुई है सर, बेल्ट है बीच में। अच्छा, B2B पत्ता कौन तक सर आगे? ओके ओके, अभी ट्रेस कर रहे हैं। ओवरऑल कैसा समझ में आ रहा है क्लास? समझ में आ रही सारी चीजें? हाँ सर। अगर कोई भी सेक्शन चार्जिंग में हो, चार्जिंग का एरर या जो भी हो, यहाँ पे आप प्रॉब्लम को सॉल्ट आउट कर लेंगे? फेक चार्जिंग? सर फेक चार्जिंग समस्या नहीं आएगी, थोड़ा ट्रेस करके बना लूंगा। ओके ओके, चलिए ठीक है। तो ये तो हमारी आज चार्जिंग की क्लास है, जो कि स्टूडेंट कर रहे हैं। प्रैक्टिकल अभी बज रहा है, 7:30 या 8 बज रहा होगा, आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए ऐसे रोज डेली आप बने रहे। दोस्तों यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि अभी लाइव प्रैक्टिकल का सेक्शन है, स्टूडेंट अपने लाइव खुद के सेटों को डायग्नोस कर रहा है, क्योंकि अगर एक इंस्टीट्यूट पूरे 30-33 बच्चों को सेट लाएगा भी तो कहाँ से लाएगा, तो ये सारे अपने खुद के मोबाइल को ही डायग्नोस कर रहे हैं। और आप देखिए कि हमने किसी के भी यहाँ पर डायग्राम्स नहीं खुलवाए हैं, पर तो हमने पहले कोशिश ये की है कि आप विदाउट डायग्राम उसको प्रैक्टिकल आप उसको ट्रेस कीजिए, और उसके बाद में फिर उसके डायग्राम को उसके समझे, ताकि आपको दोनों चीज़ आए। क्योंकि दुकान में हर पहली बात तो हर एक PCB का डायग्राम नहीं होता है। वीवो का आप देखेंगे तो वर्ल्ड में वीवो का किसी के पास कोई डायग्राम नहीं है, ना ही बोर्नियो में, ना ही कहीं पर, सिर्फ उसका डायरेक्ट सोल्यूशन है। तो हम यहाँ पे वीवो हो गए, ओप्पो हो गए, हम यहाँ सिर्फ MI का काम नहीं कराते हैं, हमारी कोशिश वीवो ओप्पो सैमसंग में ज़्यादा है, क्योंकि अभी के जो करंट में जो मोबाइल आते हैं ज़्यादातर वही बनने को आते हैं। आपने लास्ट डे क्या करके गए बताइए? डबल डेकर किया आपने, बैकअप के स्टूडेंट भी आपके साथ में आए थे, तो कि तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर CPU को मतलब जो है निकाले, और उसके बाद रिवॉल्व भी किया, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया? सर डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। CPU भी किया। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए? सर डबल टेकर किया लास्ट में। डुअल डेकर किया ना आपने, लास्ट डे क्या किया? डबल डेकर CPU करके गए। जाता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया? सर डबल डेकर CPU और इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है?